प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है योगी का मिशन रोजगार। योगी जी का मिशन रोजगार जारी है और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का जो मामला था परिषदीय स्कूलों में, वो आज पूरा हो गया है। पहले 31,000 लोगों को नौकरियां दी गई, क्योंकि कोर्ट के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 36,590 नियुक्तियों को रोक करके रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद काउंसलिंग हुई, सेकेंड काउंसलिंग हुई और अब इसके बाद ये नियुक्ति पत्र आज सबको मुख्यमंत्री ने बांट दिए, दूसरे मंत्रियों ने भी बांट दिए। तो कुल जो 69,000 भर्ती का मामला था वो उनको नियुक्तियां मिल चुकी हैं। हालांकि कुछ पेच इसमें अभी बाकी है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ी भर्ती जो हमेशा लटकती थी, भटकती थी और कहीं रुकती थी, वो सफल हो गई है, कोर्ट से निकल चुकी है और सब जगह से निकल करके लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया है। तो सबसे पहले तो जो 36,590 युवाओं को जो रोजगार मिला है उनको बहुत बहुत बधाई, वो बधाई के पात्र हैं कि उनका जीवन सफल हो गया। लेकिन इसके पहले भी जो 31,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला था उनको भी बधाई। कुल 69,000 लोगों में से ज़्यादातर लोगों को रोजगार मिल चुका है, सभी को बहुत बधाई। लेकिन इसमें अभी कुछ पेज फंसे हैं जो मायूस है। मतलब अभी जो 8,000 सीटें इसमें बच रही हैं उसमें तीसरी काउंसलिंग की बात नहीं आ रही, हालांकि सरकार तीसरी काउंसलिंग भी कर रही है। लेकिन जो के न्यूज ने मुद्दा उठाया था संशोधन का, उसको लेकर के अब तीसरी काउंसलिंग होगी और उसके बाद जो बहुत ही मानवीय त्रुटि है, छोटी बहुत त्रुटि है, उसको संशोधित करके उन्हें भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि जो बाकी बची 8,000 सीटें हैं उनकी काउंसलिंग क्यों नहीं की जा रही, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये भी चर्चा है और सवाल ये भी है कि आरक्षण वाले इसमें आरोप लगा रहे हैं कि उनका आरक्षण का सही से पालन नहीं किया गया। इन सब के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि 69,000 भर्तियों का जो मामला था वो पूरा निकल चुका है और योगी जी ने नियुक्ति पत्र दे दी है, मिशन रोजगार जारी है। ये अपने आप में सबसे बड़ी खुशखबरी है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। कोरोना महामारी के बीच बड़ी संख्या में काम धंधे प्रभावित हुए हैं, बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां भी गई हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर से प्रदेश में मिशन रोजगार शुरू करने का ऐलान किया है। योगी सरकार के इस अभियान के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने रोजगार अभियान को सफल बनाने के लिए राजस्व परिषद, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, समस्त विभाग अध्यक्ष, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव के मुताबिक मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, पार्षदों, वार्डों और स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के सृजन के साथ ही कौशल प्रशिक्षण और अप्रेंटिस भूमि आवंटन, अलग अलग तरह के लाइसेंस और अप्रूवल के जरिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार स्वरोजगार के मौके पैदा करने के लिए सरकार ने मिशन की शुरुआत की है। अब देखना है इसका प्रदेश के लोगों को कितना लाभ मिलता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो योगी का मिशन रोजगार जारी है और 69,000 भर्तियों में से ज्यादातर लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं। आज भी 36,590 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है
तो वो सम्मान से जी सकता है, परिवार के सामने अपनी आंख मिला सकता है, अपने बूढ़े माँ बाप की लाठी का सहारा बन सकता है, और बड़ी बात यह है कि वो अपना परिवार भी खुशहाली से चला सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो बधाई के पात्र है, सरकार बधाई के पात्र है कि कम से कम इस भर्ती को अच्छी तरीके से निकाल दिया। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। केसी जैन साहब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है केसी जैन साहब आपका। और शशांक यादव भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है शशांक जी। सुधांशु वाजपेयी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सुधांशु जी। और साथ ही साथ में दो बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, राधिका गर्ग हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, जिनको आज नियुक्त पत्र मिला है, चयनित है। बहुत बधाई राधिका गर्ग जी आपको भी, और स्वागत भी आपका। और राहुल मौर्य हमारे साथ में है, जो थोड़े से मायूस है क्योंकि उनका चयन नहीं हुआ है, आरक्षण का सही से पालन नहीं किया गया है, और थर्ड काउंसलिंग की जुहार लगा रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। केसी जैन का रुख करते हैं। केसी जैन साहब, बहुत बधाई आपको, 69,000 भर्तियों का मामला कम से कम अच्छी तरीके से निकाल दिया है, थोड़ी बहुत दिक्कतों के साथ में। बहुत बधाई आपको, क्या कहेंगे? केसी जैन साहब माफ करिएगा मैं आपको रोकना चाहूंगा। सबसे पहले मैं जरा राधिका जी के पास चलूंगा। राधिका गर्ग जी, आपको नियुक्त पत्र मिल गया है, कितनी खुशी है आपको? मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने ये आज हमें सुनहरा अवसर दिया है, जिस कारण आज हम सब लोगों के चेहरे पे खुशी है। हम लोग की खुशी का कारण सिर्फ वही है, हम लोगों में ही कुछ साथी लोगों का दिक्कत रही, समस्या रही, जिस कारण ये भर्ती कोर्ट में लंबित रही, लेकिन आज इतने संघर्ष के बाद और मुख्यमंत्री जी का ढंढस बंधवाने के चक्कर में आज हम सभी लोग नियुक्ति पत्र पा गए हैं, इसलिए हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जी मैं, कितनी खुशी है आपको? लगता है कि आपका जीवन सफल हो गया, एक सरकारी नौकरी मिल जाने की वजह से अब आप सम्मान का जीवन जी सकेंगी, अपने दो दो परिवार को पाल सकेंगे, एक माँ बाप जिन्होंने आपको पाला, दूसरा जब आपकी शादी होगी तो आपके बच्चे होंगे, वो भी परिवार पलेगा अच्छे से। तो हमारी माँ का रहा है, जिन्होंने अपने 4 बच्चों में से 2 बच्चों को बेसिक शिक्षा विभाग में भेजा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इस स्तर पे लाके खड़ा किया। सरकार का धन्यवाद देना चाहेंगे हम, अपने परिवार जनों का, बड़े भाई बहनों का। जी आपको क्या लगता है? जी आपको क्या लगता है कि एक नौकरी मिल जाने से जीवन सफल हो जाता है और सारे युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए? श्रम किया है, 2 साल जो हम लोग की भर्ती कोर्ट में लंबित रही, 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सरकार का लगातार ये कहना कि आप लोगों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आप लोग विश्वास रखिए, धैर्य बना के रखिए कि आपको नियुक्ति पत्र दिया जाना है और दिया जाएगा, लेकिन ये उम्मीद 5,590 अभ्यर्थियों में शायद ही किसी की होगी कि 2 माह से जल्द ही सरकार इस भर्ती को पूरा कर देगी। इसके लिए हम सब लोग बेचैन थे, लेकिन सरकार ने यह कार्य करके दिखाया। चलिए ठीक है, बने रहिए आपका जीवन सफल हो गया है, बहुत बधाई आपको, बने रहिए आप हमारे साथ में। राहुल का रुख करेंगे। राहुल मौर्य जी, आपका चयन नहीं हो सका, क्या दिक्कत दे रही है? सर, चयन ना होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इस भर्ती में आरक्षण के साथ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और इसमें हमारे OBC भाई और SC भाई जिनके 7,149, फिर से सुनिएगा सर, 7,149 सीटों का महाघोटाला इस योगी सरकार ने किया है, और इसको हम चैलेंज कर रहे हैं। हमारे जो BJP प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी हैं, आप जी आप जो भी हैं सर, हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि 7,149 OBC और SC की सीटों को मिलाकर जो घोटाला हुआ है, आप इसको अगर किसी भी अधिकारी से पूछिए, अगर वो ये गारंटी के साथ शपथ पत्र लिख के दे दे कि नहीं घोटाला नहीं हुआ है, तो आप कुछ भी हमको सजा देंगे उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आप ये जो हमारा घोटाला किए हैं हमारे OBC भाइयों के साथ, ये जो सबसे बड़ा घोटाला आपने किया है, आज हमारे लिए सबसे बड़ा काला दिवस है। ये इस योगी सरकार में हम लोग इतने मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मतलब BJP सरकार, हम OBC और SC भाइयों को
पीछे ढकेलना चाह रही है, जो उनकी ये पूरी की पूरी मंशा है। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं 7149 सीटों को जो आपने हमारे हक का जो आपने छीना है, जो भाई आज हमारे खून के आंसू रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं, ये आपके कारण है और इसका खामियाजा आपको आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा। लेकिन ये चीज आपको अभी अभी आगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आपको ये चीज जरूर देखना पड़ेगा, आपको वहां पर जरूर कोर्ट में तो पहले भी जा चुका हाँ, इस चीज के लिए आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, कैसे जैन साहब आपने दोनों पक्ष को सुन लिया, एक चयनित राधिका गर्ग जी के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वो कितना खुश है, दूसरा राहुल मौर्य जैसे 7-8 हजार लोग हैं जो बहुत ही निराश है, क्या कहेंगे आप? जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं और जिनको नियुक्ति पत्र मिला है उनको सबको बधाई। और देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में इस बात का हमेशा ध्यान रखा गया है कि किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई अन्याय ना होने पाए। और जिन लोगों को इस तरीके की शंकाएं थी इन्हीं चीजों को लेकर के, जो जिन लोगों का चयन किसी कारण से नहीं हो पाया या किसी कारण से उनके मार्क्स कम थे और जो सारी चीजें थी उन्हीं सारी चीजों को लेकर के, या जो कैटेगराइज थी कि ओबीसी और एससी कैटेगरी को लेकर के, ये सारी चीजों को लेकर के, इन सारी चीजों को मुद्दा बना करके कहीं ना कहीं जो रिट फाइल की गई माननीय हाई कोर्ट में, तो वो उसका निस्तारण हो चुका है। निस्तारण के बाद में 2 साल से सारी चीजें इसीलिए पेंडिंग थी और अब जब निस्तारण हो गया है, साफ सुथरे तरीके से नियुक्तियां हुई हैं और जिन लोगों को मौका नहीं मिला है, आगे भी प्रदेश में बहुत सारी नौकरियां निकलने वाली हैं, वो उसमें ट्राई करें और बिल्कुल उनको भी लाभ मिलेगा। अगर एक बार आपका चयन नहीं हुआ, दूसरी बार आप प्रयास करिए, तीसरी बार आप प्रयास करिए। और हम लोग भी कंपटीशन की तैयारी करते थे तो तमाम बार चयन होता था, नहीं होता था या मन मुताबिक चीजें नहीं मिलती थी, तो ऐसे में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा ट्राई करिए, आप दोबारा ट्राई करिए। लेकिन राहुल मौर्य जी ने जिस प्रकार से आरोप लगाए सरकार के ऊपर, ये बिल्कुल निराधार आरोप है और मैं इससे निवेदन करूंगा, सर हम आपको चैलेंज करूंगा कि आप लोग दोबारा तिबारा तैयारी करें। और भी तमाम सारे विभाग हैं जिनमें बड़े स्तर पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कल परसों में बयान भी दिया है कि बड़े स्तर पे नौकरियां निकलेंगी, पूरा की पूरा कंसंट्रेशन सरकार का इन नौकरियों पे है और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में लोगों को नौकरियां दी गई हैं। इसके पहले जो पीजीटी जिन्होंने पास किया था उनके भी नियुक्ति पत्र नहीं मिले थे लंबे समय से, हमारे भी बहुत सारे लोग जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि आप वार्ता करिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमने उन चीजों को पहुंचाया अभी सरकार के पास में जो माध्यम थे उनके माध्यम से, और एक बड़ा निर्णय हुआ जो पीजीटी के जो पहले की भर्तियां थी लेकिन नियुक्ति पत्र उन लोगों को नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी, आज उनको भी सारे कॉलेज अलाट हो गए, वो लोग भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, शिक्षा एक तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है प्रदीप जी, केवल जो जिनको नौकरी मिल रही है उनके तक नहीं है, जो जगहें खाली है, जो पोस्टें खाली है, अगर वहां पे नियुक्तियां होंगी और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा दी जाएगी, जब कम बच्चों पे ज्यादा शिक्षक होंगे तो बिल्कुल गुणवत्ता बढ़ेगी, और जब गुणवत्ता बढ़ेगी तो हमारे समाज में अच्छे लोग दिखेंगे, गुणवत्ता परक शिक्षा मिलेगी। ठीक है, कैसे जान सर? ठीक है, गुणवत्ता परक शिक्षा मिलेगी। ठीक है, शशांक यादव जी, 1,80,00,000 बच्चे पढ़ते हैं इन विद्यालयों में, आपको क्या लगता है कि शिक्षकों की भर्ती हो जाने से, इन 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो जाने से शिक्षा में गुणवत्ता परक सुधार होगा? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं आपकी, 1,80,00,000 बच्चे पढ़ रहे हैं ये भी हकीकत है, और इतनी ही बड़ी हकीकत ये है कि जो 68,500 हमारे नए शिक्षक रखे गए हैं वो तो लगभग इतने ही इस साल रिटायर भी हो रहे हैं, और अभी भी करीब करीब 2 से 2.25 लाख शिक्षकों की रिक्तियां अभी प्राइमरी सेक्शन में पड़ी हुई है, बेसिक शिक्षा में। और जो मैं यहाँ पर जो राहुल मौर्या जी जो बोल रहे हैं, जो जिनका आरक्षण को लेके जो बात आई है, ये प्रकरण जो केंद्र, मैं मुझसे बेहतर कोई, मेरे पास तो बहुत कंप्लेंट आई है, बड़ा टेक्निकल ये बच्चे बता रहे हैं कि साहब जिले के आधार पर जो जिले का चयन हुआ उसी में सारा अधिकारियों ने घपला किया है, और ओबीसी और शुरू कास्ट के बच्चों के नंबर ज्यादा रहे और सामान्य के बच्चों के कम नंबर थे, लेकिन उनको सिलेक्शन हुआ। यहाँ पर
मेरा अपना मानना है कहीं ना कहीं जो आरक्षण की व्यवस्था को प्रभावित किया गया, प्रभावित हुई है, चाहे वो अधिकारियों की जल्दबाजी की वजह से, माननीय मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी किया जाए, लेकिन जो संविधान की मूल भावना थी वो प्रभावित हुई है। अभी हम लोग इस मैटर को देख भी रहे हैं कि आरक्षण के अनुपालन में कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं जिसका पूरा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, सुधांशु वाजपेयी जी, ठीक है सुधांशु वाजपेयी जी, आपने सारे लोगों को सुना, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि शिक्षकों की भर्ती स्वागत योग्य और इससे निश्चय ही शिक्षा में सुधार होगा, मगर चिंतनीय बात यह है कि ये भर्ती योगी सरकार में नहीं हुई है। ये पिछली भर्ती को योगी जी 3.5 साल बाद पूरा कर पाए हैं और उतना ही दिक्कत तलब बात यह भी है कि योगी जी नौकरियों का ढिंढोरा पीट रहे हैं, मगर विधानसभा में श्रम एवं रोजगार मंत्री ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दोगुनी हो चुकी है। यही नहीं, भाजपा ने वादा किया था 13 लाख नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, वो 13 लाख रोजगार कहाँ है? ये ऊपर से झूठ की पराकाष्ठा है। मुख्यमंत्री जी हेडलाइन मिनिस्टर बन गए हैं, रोज भाजपा की तरफ से नई नई हेडलाइन दी जाती है, मगर छात्रों नौजवानों के लिए उसमें भला होने की कोई बात नहीं होती है। तो हम ये कहेंगे कि पुरानी भर्तियों का श्रेय लेकर ढोल पीटना बंद कीजिए, अच्छा होगा अपनी सरकार में कुछ अच्छा करिए जिसका क्रेडिट लीजिए मुख्यमंत्री जी। ठीक है, ठीक है, पुरानी भर्तियां थी। राधिका गर्गी जी, आपने सुधांशु वाजपेयी को सुना, करें पुरानी भर्तियां थी, लेकिन क्या लगता है कि पुरानी भर्तियां पुरानी सरकारों ने क्यों नहीं भरी? कम से कम वर्तमान सरकार ने भर के आपको रोजगार तो दिया ना। आई हुई भर्ती है, इससे पिछली भर्ती जो आई थी वो 68,500 थी और वो भी इसी सरकार की ही देन थी। उससे पिछली भर्ती जो रही है 12,460 वो पिछली सरकार की देन है, लेकिन ये भर्ती इसी सरकार की देन है। और हमारे ही साथ के कुछ साथी लोग जिन्हें बातों में विवाद लगा वो कोर्ट की शरण में गए, लेकिन 2 साल बाद अंततः आज ये दिन आया है। और ये सुनहरा अवसर इसलिए और है क्योंकि आज ही के दिन 2 वर्ष पहले हम लोगों की इस भर्ती का जियो जारी हुआ था और आज 2 वर्ष बाद सरकार ने इस भर्ती को पूरा संपन्न कर दिया। चलिए जवाब ले लेते हैं सुधांशु जी, आपने राधिका जी को सुना, वो खुद ही चयनित हैं और खुद ही लंबे समय से इसको सबको देख रहे करी है, तो इसी साल में सरकार में निकली थी भर्ती, हमें अभी 2 साल पहले 12,460 वाली भर्ती भी जान रहे हैं जी। और राधिका जी आप नहीं 69,000 वाली भर्ती की बात करी भाई, वो नहीं 69,000 भर्ती पुरानी है, नहीं नई भर्ती राधिका जी करी है। नहीं जी, ये राधिका जी से हम निवेदन करेंगे कि वो अपने तथ्यों में तथ्यों को देखें भाई। राधिका जी हम कह रहे हैं कि आप अपने तथ्यों में सुधार कीजिए, ये पुरानी भर्तियां थी और ये शिक्षा मित्रों के मसले के शशांक जी से कंफर्म करा देते, शिक्षा मित्रों के मसले को लेकर फंसी हुई थी ये भी, और जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया तब ये क्लियर हुआ। ठीक है शशांक जी, जी जी डाटा देखिए, आपको खुद अनुमान हो जाएगा कि ये 68,500 और 69,000 दोनों भर्तियां आरक्षण का सही से अनुपालन नहीं किया गया और सीटें नहीं भरी गई। सवाल ये है, आप लोग तमाम बार कोर्ट गए जिसकी वजह से ये भर्तियां लंबे समय से अटकी रही, कोर्ट ने आपको राहत नहीं दी, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सर अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, इधर कोर्ट ने क्लियर कर दिया ना? नहीं नहीं सर, वो जो मुद्दा था क्लियरेंस के बाद ही भर्तियां की गई। सुप्रीम कोर्ट का जो मुद्दा था वहाँ पे कट ऑफ का मैटर था कि भर्ती 40-45 पे किया जाए या 60-65 पे किया जाए। आरक्षण का मुद्दा अलग है, जब लिस्ट सरकार ने जारी किया, अगर सरकार चोरी नहीं कर रही है हमारे आरक्षण के साथ, तो सरकार से बीजेपी प्रवक्ता जी से हमारा रिक्वेस्ट है और आपसे आपको चैलेंज भी और रिक्वेस्ट भी है कि आपने क्यों लिस्ट में कैटेगरी और कट ऑफ क्यों छिपाया? अगर आप चोरी नहीं किए हैं आरक्षण के साथ तो कैटेगरी और कट ऑफ क्यों छिपाया? 67,867 की जो लिस्ट आई है, हम सारे अभ्यर्थी लोग मिलके 2 महीने मेहनत करके कैटेगरी और कट ऑफ निकाला, इसलिए हम चैलेंज कर रहे हैं। अगर हमारी बात सही, अगर हमारी बात गलत निकली, 7,149 सीटों का घपला जो इन्होंने किया है, अगर ये गलत निकली तो चाहे जो सजा देंगे उसको हम भुगतने को तैयार हैं, लेकिन अगर ये आज हमसे गारंटी ले लें
और ये कहे कि जो भर्ती हुई है इसमें इतनी घपला नहीं हुई, अगर ये खुल के कह दे, ये भी कह दे कि हम भी सजना बताइए भाई, ये कह दे कि स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दे, हम 1 लाख रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हैं कि 7149। सर इस तरीके से लोगों को गुमराह, नहीं सर ये इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं। अगर आप आपकी बात सच्ची तो सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए सर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहां पे एक डेट अभी सुना गया, अगले 8 को डेट लगा हुआ है, लेकिन मामला यहां पे आनन फानन में ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। हमारे साथ जो अन्याय हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा? हम पिछड़े लोगों के साथ इस बीजेपी सरकार को लाने में सबसे बड़ा हाथ, और हमारे साथ ही दगा किया गया, ये माफ नहीं किया जाएगा इसके लिए। ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं। इस प्रकार से हमारे साथी मौर्य जी आरोप लगा रहे हैं तो निराधार आरोप है, और कहीं ना कहीं ये विपक्ष से प्रभावित हैं, और अगर ये कंपटीटर रहे हैं और इन्होंने परीक्षाएं पास की है तो केसी जैन साहब मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। एक मिनट, केसी जैन साहब, दिक्कत ये है कि जब कोई भी कुछ बोलता अपनी आवाज उठाता है उसको आप लोग ब्रांडेड कर देते हैं। किसान आवाज उठाएगा तो उसको आप लोग खालिस्तानी बता देंगे, दलित नहीं, सुन ली सवाल सुन लीजिए, ये दर्द है लोगों का, ये दर्द है लोगों का जो मैं बयां कर रहा हूं आपको, किसान सुन ली सवाल सुन लीजिए, किसान आवाज उठाएगा तो उसको वो खालिस्तानी, और दलित आवाज उठाएगा तो वो नक्सलवादी, और अकली और मुसलमान सवाल उठाए तो वो आतंकवादी, मतलब ये क्या है? और अगर हिंदू कोई दूसरा आवाज उठा दे तो वो राष्ट्र विरोधी, प्रदीप जी ये बात क्यों कह पड़ी? उसका कारण ये है कि ये जिस प्रकार से बार बार आरोप लगा रहे हैं मौर्य जी और चैलेंज कर रहे हैं, आपको चैलेंज करना है आप न्यायालय में चैलेंज करिए, इसका मतलब वो तो मैंने कहा कि आपको चैलेंज करना है तो न्यायालय में चैलेंज कीजिए, बिल्कुल ठीक कर रहे आप। और ये जो नियुक्तियां हुई है, नियुक्तियां 2 साल तक इसलिए लटकी रही न्यायालय में, सर चैलेंज हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह चैलेंज है, चैलेंज करें ना, कोर्ट में करिए, ठीक है आपके पास आएंगे जी। 2 साल तक भर्तियां लटकने के बाद आज लोगों के चेहरे पे खुशी आई है, और जो इसके वास्तविक पात्र है बिल्कुल ठीक नौकरी मिली है और उनको नियुक्त पत्र मिला है। उसके बाद 1149 लोगों को खून के आंसू रुला करके, राहुल जी रुकिए, अभी मौर्य जी ने जो बात कही कि इनके पास अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट और जो निर्णय होगा। 8 तारीख को इनका केस लगा हुआ है, नहीं 8 तारीख को इनका केस लगा हुआ है वहां पर, अगर मैं गलत ना हूं तो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को चैलेंज करना या आपको चैलेंज करना ये इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे कांग्रेस के साथ आपकी बात हो गई, आप बधाई के पात्र हैं, आपने बड़ी आपकी बात हो गई, आप बधाई के पात्र कर दिया, लेकिन अगर थोड़ा साफ सुथरा हो जाता, लेकिन अगर थोड़ा साफ सुथरा हो जाता तो ये मामला और अच्छा हो जाता, सोने पे सुहागा हो जाता सर। कैटेगरी और कटाव, राहुल जी आप बहुत बीच में बोल रहे हैं भाई, अपने समय पर बोलिएगा। केसी जैन साहब सवाल ये है जी, कह रहे हैं उस बात का इंटरप्रिटेशन गलत निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्तियों की राह खोली कि आप नियुक्तियां करिए, लेकिन नियुक्तियों में आरक्षण किस रूप में होगा ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी। आरक्षण आरक्षण कोई मनरेगा नहीं है कि आप रोजगार दे रहे हो, आरक्षण एक रिप्रेजेंटेशन है कि ओबीसी शशांक जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कम से कम सरकार की तारीफ इस मामले में तो करेंगे कि 69,000 भर्तियों में से आप मान लीजिए 7-8,000 में दिक्कत हो गई, मैं मान लेता हूं, लेकिन बाकी तो 60,000 लोगों को नौकरी मिल गई ना सर। इंटरप्रिटेशन सरकार का गलत नहीं है, इंटरप्रिटेशन हमारा गलत नहीं है, इनका गलत है, आपका गलत है इंटरप्रिटेशन। सीधे सुनिए सुनिए, आरक्षण व्यवस्था में भी अगर उसमें भी कहीं अवहेला होती है उसके लिए भी न्यायालय ही है, अगर आपको लगता जी, है जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आरक्षण का पालन नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप न्यायालय जाएंगे ना, आप आरोप लगा देंगे
नहीं आरोप नहीं है, नहीं 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 अभी अभी अरे सुन तो नहीं बिल्कुल नहीं सुनिए शशांक जी, सुधांशु जी, आपका काम ये है कि नियुक्तियों को किसी भी प्रकार से रोकना और फिर सरकार पे आरोप लगाना कि सरकार नियुक्तियों को निकालती है लेकिन वो कर नहीं पाती है, नियुक्ति निकालती है लेकिन कर नहीं पाते हैं। आप केवल और केवल आपके पास कोई आधार नहीं है। जैन साहब, जैन साहब मुझे कुछ सवाल आपसे लेने। शशांक जी रुकिए भाई, नियुक्तियों को रोकना। शशांक जी रुकिए, शशांक जी मुझे एक सवाल, जैन साहब से कुछ सवाल लेने हैं। रुकिए जैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कैसी जैन साहब, कैसी जैन साहब सुनिए, राजनीति में समय नहीं जाया करेंगे हम लोग, कंक्रीट बात कर लेते हैं। कैसी जैन साहब सवाल सुनिए, सवाल ये है, आप बधाई के पात्र हैं और इसीलिए मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कि इतने हजार लोगों को नौकरी मिल जाना कोई आसान काम नहीं है आज के समय में, वो भी कोरोना काल में। बहुत बधाई, आपको बधाई, सरकार को बधाई, संगठन को बधाई, भारतीय जनता पार्टी को बधाई। हमारा मानना यह है कि अगर थोड़ी सी और सतर्कता बढ़ती जाती, थोड़ी सी और ट्रांसपेरेंसी करते तो ये दिक्कत ना होती, आज ये 8-10 हजार जो लोग हैं वो मायूस ना होते। सवाल नंबर एक, मैं आपका सवाल पूछ रहा हूं, सवाल नंबर एक ये कि जिले पर ये जो चयन किया गया उसको क्यों नहीं राज्य स्तर पर किया गया, जिससे कि आरक्षण को पूरी तरीके से आरक्षण का पालन किया जाता और ये दिक्कत ना आती। बहुत छोटा छोटा जवाब चाहेंगे। इसमें राज्य पूरी यूनिट नहीं मानी गई, इसमें पूरी इकाई जिले स्तर पे हुई है, जिले स्तर पे जिन लोगों नहीं, क्यों जिले को इकाई माना जाता है, क्यों नहीं राज्य को पूरी इकाई माना जा रहा है, सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है। राज्य को इकाई मान करके करना चाहिए। इसी बात का मामला था कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं उसमें विभागों को इकाई माना जाए या विश्वविद्यालय को इकाई माना जाए। भाई अगर विभाग को इकाई मानेंगे तो आरक्षण मिलेगा ही नहीं। इस तरीके और जो अभी तक इस बात की मांग उठती थी, जब स्टेट लेवल पे ये काम होता था तो मांग उठती थी कि भाई जिले में हम लोग इतने परसेंट हैं, जिले में हमारी संख्या ज्यादा है और जिले में हमारे लोग ज्यादा चयनित हुए हैं और जो जनरल की कट ऑफ है वो कम गई है, अगर जिले वाइज होती तो शायद आसानी से हो जाता। अब वही लोग कैसे जैन साहब, दूसरा सवाल सुन लीजिए, ठीक है, नंबर दो, ठीक है कैसे जैन साहब, सवाल नंबर दो, सवाल नंबर दूसरा ये है कि आप आज के समय में इतने 21वीं शताब्दी में आज भी जो एसटी के बच्चे हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट क्या होगा कि 1133 यानी कि 1133 बच्चे क्वालिफाई ही नहीं कर पाए एसटी के, कैसी शिक्षा व्यवस्था है ये और कब होगी उनकी नियुक्ति? व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहा है, मैं इस पे बड़ा जवाब दे रहा हूँ आपको, सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी। अगर आरक्षण व्यवस्था में 100 सीटों में से अगर 20 सीटें ऐसी हैं जो एससी को मिलनी चाहिए लेकिन वो अभ्यर्थी जो उसका मानक है उसको पूरा नहीं कर पा रहे बाय द वे, तो ऐसी स्थिति में उन 80 सीटों पे भर्तियां होंगी और 20 सीटें जो एससी के लिए आरक्षित है वो खाली पड़ी रहेंगी। जब वो चयनित अभ्यर्थी चयन होकर के आएगा तो खाली पड़ी रहेंगी। नहीं कैसे भाई, क्यों कैसे जान साहब, मैं आपसे ये, क्या हम सबके लिए शर्मनाक नहीं है हमारी ऐसी व्यवस्था, हमारी ऐसी शिक्षा व्यवस्था कि आज 21वीं शताब्दी में एसटी के बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे या सरकार को क्वालिफाइड लड़के नहीं मिल पा रहे एसटी के? और जो उसमें आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए है कि जिन लोगों को पहले समान संसाधन नहीं मिल पाए उनको अतिरिक्त व्यवस्थाएं दी जाए। वो जैन साहब वो पता है, सवाल मेरा आपसे ये, क्या ये शर्मनाक है कि नहीं है? कि व्यवस्थाएं हैं और जो क्वालिफाइड की आपने बात कही, भाई जैन साहब वो हमने भी थोड़ा बहुत संविधान पढ़ा है वहां तक ठीक है, लेकिन क्या आप इसमें खामी मानते हैं कि नहीं कि आज भी 1133 बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनकी सीट नहीं भर पाई, ये शर्मिंदा करने की बात है कि नहीं है? इस बात को लेकर के लेकिन कम से कम क्वालिफाइड नंबर हो, बिल्कुल ठीक करें आप, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बने रहिए सर हमारे साथ में। वक्त एक ब्रेक का, जैन साहब एक ब्रेक लेना पड़ेगा, मजबूरी है, ब्रेक के बाद आऊंगा तो कुछ और सवाल है जो आपसे करूंगा।
थर्ड काउंसलिंग के बाद भी है, 7,000-8,000 सीट खाली है, लेकिन थर्ड काउंसलिंग क्यों नहीं की जा रही है, उसके लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है, यह भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है, इस पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। न्यूज़ खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा दे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला बसंत, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D-Pharma, B-Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971-496-497 or visit the campus, Kanpur Lucknow Highway, near Unnao. GGS Education Group. Bawarchi Nutri Soya Badi. Aur taste mein badi mast hai. आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ सुधांशु वाजपेयी, आप अपनी बात रख लीजिए। देखिए हमारा कहना ये है कि भाजपा मूल रूप से आरक्षण विरोधी है और वो किसी भी तरह तिकड़म लगा के कैसे आरक्षण से रोक दिया जाए, कैसे ऐसे लोगों को रोक दिया जाए, पिछड़े दलित और अनुसूचित जनजातियों से आने वाले लोगों को रोक दिया जाए, इसके लिए वो कोई भी तिकड़म लगाने को तैयार है। उन्हीं तिकड़म में से ये व्यवस्था भी है जिसमें हमारे राहुल मौर्य जी जैसे प्रतिभाशाली छात्र जी नौकरी से वंचित हो गए। नहीं, आप ये बता दीजिए सुधांशु वाजपेयी जी, आपकी जब सरकार थी तो क्या आरक्षण का पूरा पालन किया गया था क्या? जी हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश की कि विद्यार्थियों के साथ छात्रों के साथ अन्याय न होने पाए। लेकिन आपकी कोशिश कामयाब नहीं हुई जी। आपकी कोशिश कामयाब इसलिए नहीं हुई, आंकड़े बता रहे हैं। आंकड़े मैं बता रहा हूँ, जब बताइए आंकड़े जी। कि यूपीए सरकार के बरक्स 53% रोजगार घटा है वर्तमान सरकार। नहीं, रोजगार घटा है कोरोना काल की वजह से नहीं, उससे पहले भी। सुन लीजिए, अब आपने कहा कि हमने आरक्षण का मुद्दा पूरा किया, जरा मैं आपको बता देता हूँ। आरक्षण लागू हुए 60 से 70 साल हो गए और अभी तक जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनकी वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई, तमाम जगह खाली पड़ी है और लगातार आपकी सरकारें रही, क्या क्या आपने हमारी जहां भी सरकारें रही हम लोगों ने ये सुनी। अरे केंद्र में आपकी सरकार थी वहीं पर पूरे नहीं हुए। केंद्र में आज भी एसटी के आज बताइए एसटी के 1133 बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, लंबे समय तक आपने शासन किया, किसकी गलती है ये? अरे प्रक्रिया से बाहर जाकर जी तो नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रक्रिया के अंतर्गत जितना संभव हो सका, जो भी लोग संभव हो सके जी, उन लोगों के साथ न्याय किया गया, उनको जगह। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ राहुल जी, सरकार अगर तानाशाही रवैये से भर्ती नहीं कर रही है तो आपको सर हम बताना चाहते हैं कि ये मामला हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी चल रहा है। वहां पर माननीय लोकेश प्रजापति जी ने इस भर्ती पर रोक लगाया था, रोक लगाया था आरक्षण के मामले पर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कटाव के मामले पे। सरकार ने ये
बयान देते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर इसलिए भर्ती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एनसीबीसी का भी कोई रिस्पेक्ट इस सरकार की नजर में देखने को नहीं मिल रहा है। वहां पे अभी कल के डेट में माननीय बेसिक शिक्षा सचिव पीएस बघेल जी गए और वहां पे जिस तरीके से उनकी फजीहत हुई, जिस तरीके से उनसे डाटा मांगा गया, वो हर बार आने के बाद केवल एक ही बात कि हमारे पास डाटा नहीं है, अगली बार आके देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब ये कि सब मिला के सरकार मनमानी तरीके से आरक्षण के साथ खिलवाड़ करते हुए 7149 लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए आनन फानन में एनसीबीसी के फैसले का निरादर करते हुए भर्ती को पूरी कर दी। ठीक है, ठीक है। जैन जैन साहब, राधिका जी के पास चलेंगे। राधिका जी, आप सुन रही है कि कम, लेकिन ये 7-7.5 हजार लोगों की बात अगर छोड़ दें जिनके साथ दिक्कत हो रही है, कुछ थर्ड काउंसलिंग के बच्चे भी हैं जो कह रहे हैं कि सीटें बची हैं उनके लिए थर्ड काउंसलिंग कराई जाए। हालांकि थर्ड काउंसलिंग सरकार करा रही है, 9 से 11 तारीख तक काउंसलिंग होगी और 12 तारीख को नियुक्त पत्र मिलेगा। उसमें जो थोड़े बहुत संशोधन करने वाले लोग हैं, हमने के न्यूज पर ही मुद्दा चलाया था और उसका असर भी हुआ है। क्या लगता है, कम से कम ये चीजें ठीक है कि लोगों को नौकरियां मिल रही हैं? प्राप्तांक अपना ज्यादा भर दिया है, अन्यथा जिनके भी नाम में त्रुटि है, जिन्होंने पूर्णांक कम भरा है, सरकार सभी को अवसर दे रही है। संशोधन के ऊपर कल आदेश आ गया है और उनका कहना है कि जितने भी ऐसे अभ्यर्थी रह गए हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, वो अपनी काउंसलिंग करवा के नियुक्ति पत्र 12 तारीख को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो ठीक बात है ना, 12 तारीख को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो ठीक बात है ना, ये राधिका जी, ये तो ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन जिसमें मेरिट में इफेक्ट ना आए, मेरिट में कोई प्रभाव ना पड़े। तो जिन लोगों ने प्राप्तांक में गलत अंक अपने जोड़े थे, उनको वो तो इलीगल हो गए। ज्यादा भरा है, सरकार उनको अवसर नहीं दे रही है। जिन्होंने प्राप्तांक अपना कम भरा है, सरकार उनको फिर से अवसर दे रही है। सरकार हम लोगों के लिए और अच्छाई का कार्य कर रही है और सरकार का कहना है कि प्राप्तांक ज्यादा भरने के कारण वो ज्यादा गुणांक हासिल कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने भी कम प्राप्तांक भरा है उनके लिए वो उनकी तारीफ कर रही है और ये बता रही है कि कम प्राप्तांक भरने के बाद भी उन्होंने अपना स्थान पाया है, इसलिए उन्हें फिर से मौका दिया जाएगा। जी सचान जी, जी सचान जी, देखिए अच्छा अच्छी सरकार की मंशा देखिए कि जो मानवीय त्रुटि थी जिसको सरकार लगातार मना कर रही थी, हम इसको नहीं सुधार नहीं करेंगे, लेकिन जब हमने के न्यूज पर अपने इसी मुद्दे कार्यक्रम में चलाए, आप भी थे, तो सरकार ने संशोधन की स्वीकृति दे दी। हाँ, उनको जरूर ये मना किया जिन्होंने अपने प्राप्तांक ज्यादा भर दिए थे, फर्जी तरीके से भर दिए थे, तो ये तो अच्छी बात है ना सर। मेरे ख्याल में बहस का 60% हिस्सा खाली 37,000 नौकरियों पर बहस कर चुके हैं। आपने जो अपनी बहस का मुद्दा बनाया वो योगी सरकार का मिशन रोजगार, और उसके साथ आप कह रहे हैं कि 5 दिसंबर से प्रदेश में मिशन रोजगार शुरू, 50 लाख युवाओं को देगी रोजगार। आपने अगर 50 लाख के हिसाब से हम निकालें तो 0.5% लोगों के लिए आपने 60% बहस तो उसी में चली गई। ये कोरोना काल से पहले की नौकरियां थी। कोरोना, अगर आप हम बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं या नियुक्ति पे बात कर रहे हैं, नियुक्ति पे बात कर रहे हैं, नियुक्ति हो गई, अच्छी बात है नौजवानों को। मिशन रोजगार का मतलब ये नियुक्तियां ही है, 69,000 जो भर्तियां थी खास उसी के लिए मिशन रोजगार ये चलाया गया नहीं है। मिशन रोजगार में आप लिख रहे हो ना कि योगी सरकार 50 लाख युवाओं को रोजगार देगी, मिशन रोजगार मेरे ख्याल से खाली ये तो हाँ वो भी ठीक है, 50 लाख रोजगार देगी, स्वरोजगार भी होंगे उसमें। कोरोना काल ऐसी दिखाई नहीं पड़ रही कहीं पर भी, और जो नौकरियां कभी भी सरकार की तारीफ, शशांक जी कभी कभी सरकार की तारीफ भी कर दिया करिए कि सरकार ने कम से कम 61,000 लोगों को नौकरियां दे दी है। सत्ता से ही होते हैं, अगर सरकारों को बात आपकी ठीक है, लेकिन जब सरकार अच्छे काम करे, युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाए, राधिका के चेहरे पर ये खिलखिलाहट देखे, तो आपको तारीफ कर देनी चाहिए। कौन इसको बुरा कह रहा है, हर आदमी इसकी तारीफ करेगा कि नौकरियां मिल रही हैं, लेकिन हमारे विपक्ष के नाते एक जिम्मेदारी हमारी ये भी है कि अगर आरक्षण का पालन नहीं हुआ है और 8,000 लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जिले को यूनिट बना दिया है, ओवरऑल आप प्रदेश के स्तर पे आप निकालेंगे तो 8,000 से ज्यादा आरक्षित सीटों के साथ धोखा हुआ है, हम उसकी आवाज नहीं उठाएंगे क्या? वो आवाज कब उठाएंगे? नहीं बिल्कुल उठाइए, आपका हक है, विपक्ष के नाते आपका हक है, और इसीलिए तो आप चैनल पर बैठे हुए हैं। ठीक है सर,
ठीक की व्यवस्था है वो परसेंटेज के हिसाब से है, वो काउंटिंग के हिसाब से नहीं है कि इतनी काउंटिंग होगी वहां पे। अगर 1000 सीटें हैं और उसमें 10% है तब 2000 सीटें आएंगी, और 100 सीटों में अगर 10% है तो वहां पे 10 सीटें आएंगी। तो ये आरक्षण तो परसेंटेज पे है ना, वो चाहे स्टेट लेवल पे हो या जिले नहीं। लेकिन कैसे जान साहब, राहुल मौर्य का आरोप है कि जो एक नियम है उन नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई है, उन नियमों को दरकिनार करके भर्तियां की गई है। अरे बार बार ये बच्चे न्यायालय क्यों जाए सर, ये अपनी नौकरी मांग रहे हैं कि न्यायालय जाने के लिए बने हैं। हम लोग सर न्यायालय में ही लगे रहे, दो साल के इंतजार के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई और उसमें आपने आरक्षण का घोटाला कर दिया। उनको न्यायालय की शरण में फिर जाना है। और सरकार की ये मंशा, देखिए प्रदीप जी की सरकार की ये मंशा है, सरकार के लिए प्रदेश का कोई भी नागरिक है, कोई भी युवा है, कोई भी रोजगार है, प्रदेश सरकार के लिए सारी चीजें बराबर है। जैन साहब एक सवाल सुन लीजिए, हर एक नौजवान को रोजगार मिले। जैन साहब एक सवाल सुन लीजिए, ये राहुल मौर्य का कहना है कि हमने सरकार बनवाई, पिछड़ों ने सरकार बनवाई दो बार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जी, और हमको अब हमारे ही अधिकार से वंचित किया जा रहा है। हमने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया सर। सरकार जो है वैसे तो आप लोग जाति पर विश्वास नहीं करते हैं। वो कोई पार्टी नहीं करती सर, शशांक जी से पूछ लीजिए, वो भी नहीं करते हैं जी। सुधांशु जी तो कभी किया ही नहीं उन्होंने। कह रहे थे वो तो पिछली सरकार की भर्तियां हैं। अरे पिछली सरकार में आप साथ में चुनाव लड़े सरकार के बाद में। रुके भाई, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करनी है। सुधांशु जी मैं आपके पास आऊंगा, माफ करिएगा। जयंत साहब रुके भाई, आ रहा हूँ उसी पर। सुनिए कैसे जयंत साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, वो भी सर सुन लीजिए, आ रहा हूँ सर सुन लीजिए। ठीक है जैन साहब बात हो गई आपकी, एक मुद्दा और है बहुत महत्वपूर्ण, राधिका जी के पास जाएंगे। राधिका जी, आप चूंकि चयनित हैं, क्वालिफाइड हैं, इसलिए आपको माना जाता है कि आपने अच्छा एग्जाम दिया, क्वालिफाइड है आप, सर्टिफिकेट आपको मिल गया। आपको क्या लगता है कि जो सीटें बची हैं, जिन लोगों ने बेकार में फॉर्म भर दिया था, उनको नौकरी की दरकार नहीं थी लेकिन जबरदस्ती फॉर्म भर दिया, नौकरियां मिल गई, अब ज्वाइन नहीं कर रहे, ऐसे कम से कम 8000 लोग हैं, तो 8000 वैकेंसी खाली जा रही, आपको क्या लगता है कि एक और काउंसलिंग होनी चाहिए और इस भर्ती को भी भरना चाहिए? ठीक है, ये बयान रहा है कि जब तक इसकी एक एक सीट नहीं भरी जाएगी, आरक्षण को लेते हुए जो उन्होंने 1133 एसटी की सीटों को निकाला है उनको अलग रखने के अलावा, जब तक पूरी सीटें नहीं भरी जाएंगी तब तक वो काउंसलिंग करवाएंगे, चाहे वो तीसरी काउंसलिंग हो, चौथी काउंसलिंग हो या पांचवी काउंसलिंग हो। राधिका गर्ग जी, हमारी अभी दोबारा उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस भर्ती को अगली भर्ती में जोड़ेंगे, जो खाली सीटें बची हैं उनको अगले भर्ती में जोड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जब ये 69000 की भर्तियां हैं इनको यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, यहीं भरना चाहिए? जो बयान देंगे वही माना जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने पहले के बयान में बात कही है और वो उस पर काम भी करेंगे। उनका कहना फिर से ये रहा है कि हाँ जब तक होगा तब तक हम सीटें भरेंगे, और सर ये बहुत प्रशंसनीय बात रही है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको, आपकी राय क्या है कि इसमें काउंसलिंग होनी चाहिए और जो बच्चे बचे हैं, जो 8000 सीटें बच रही हैं, उसमें नियुक्तियां होनी चाहिए इसी भर्ती में? राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, ये जो सीटें बच रही हैं इस पे तो सरकार को करना ही चाहिए, क्योंकि 69000 के बाद अभी भी लगभग 60000 से ज्यादा योग्य शिक्षक पड़े हुए हैं जो भर्ती के बाहर हैं। अब सरकार के पास जो 10000 से ज्यादा सीटें बच रही हैं उस पे तृतीय काउंसलिंग तो कराना ही चाहिए, और उम्मीद ही कराएंगे भी। और इसमें हम सरकार से एक विनम्र अनुरोध करते हैं कि इसमें आरक्षण के साथ कोई घोटाला मत करिएगा, क्योंकि आपसे बहुत उम्मीदें हैं थी, लेकिन अब तो खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो उम्मीदें हैं आप प्लीज उस पे ये काम जरूर करिएगा हमारे साथ, ये तृतीय काउंसलिंग करा के हमारे भाइयों के साथ और हमारे साथ एक न्याय जरूर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है जैन साहब, सवाल यही है कि जो
10,000 वैकेंसी अभी खाली पड़ी हैं, पद खाले हैं, उनको एक मांग है छात्रों की कि इसी भर्ती में भर दिया जाए, क्योंकि 60,000 लोग क्वालिफाइड बचे हुए हैं जो 0.01-0.3% से पीछे रह गए हैं, वो 10,000 बच्चे कम से कम इसमें नौकरी पा लेंगे। तो क्या आप सरकार से ये बात करेंगे कि वो इसी भर्ती में उन 10,000 लोगों को नौकरी और दे? और जो चीजें सही होंगी उस आधार पे निर्णय लिया जाएगा कि इन नौकरियों को आगे निकलने वाली जो वैकेंसीज हैं उनके साथ जोड़ करके इनका विज्ञापन निकाला जाता है, या फिर इनकी काउंसलिंग जो बचे हुए जो अभ्यर्थी हैं जिनका एक जो चीज आपने कही 0.1%, 2%, 3% से जिनके मार्क्स कम है, या उनको चयनित किया जाए। लेकिन जो चीज आपने कही और जो चीज आपका 0.3% से मेरे पास जो लिस्ट है, जो मेरे पास लोग भेज रहे हैं, 0.3% से बाहर हैं, वो चयनित हो जाएंगे। आज तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं। ये बात कहूंगा कि काउंसलिंग का मतलब यही होता है कि जो लोग कहीं और चयनित हो गए हैं, नौकरी नहीं ले रहे हैं, और या किसी कारण से वो किसी और विभाग में चले गए हैं, तो ऐसे भी अगर वो नौकरी नहीं करना चाह रहे हैं नियुक्ति पत्र जाने के बाद, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं चयनित है और वो नहीं करना चाह रहे। ऐसे में अगर दूसरे लोगों को अवसर मिले तो एक अच्छी बात है, जो उसके बाद के लोग हैं उनको मिले तो अच्छी बात होगी। जी ठीक है, क्या ये ठीक है? सुन, सरकार ऐसा निर्णय लेगी जो अभ्यर्थियों के हित में हो कहीं ना। ठीक है सुधांशु बाजपे जी, क्या लगता है कि ये ठीक है? सुधांशु बाजपे जी, क्या लगता है कि ये जो 10,000 पद खाली पड़े हैं इनकी भर्ती भी इसी भर्ती में की जानी चाहिए? बिल्कुल, तृतीय काउंसलिंग कर विद्यार्थियों को न्याय दिया जाना चाहिए, और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर अगली भर्ती में जोड़ देंगे तो आरक्षण नियमों के साथ ये खिलवाड़ होगा। और हम इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं कि मैं क्यों कहता हूं कि झूठ का ढोल पीट रहे हैं योगी जी। योगी जी ने 3,00,000 नौकरियों का एक चार्ट जारी किया था अभी कुछ दिन पहले, अपने ट्विटर हैंडल पे भी जाना था, तो हमारे सूचना विभाग से उसमें चिकित्सा शिक्षा तमाम नियुक्तियों का भेजा गया। अभी जवाब केवल एक का आया, वो है चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1211 नौकरियों का दावा किया गया। जब सूचना मांगी गई तो मुख्यमंत्री कार्यालय को पता नहीं, उन्होंने कहा स्टेट मेडिकल फैकल्टी को भेजो, स्टेट मेडिकल फैकल्टी में भी पूछा गया, किसी को पता नहीं। वित्त विभाग में भी कुछ भर्तियां थी, उसके 12 से ज्यादा विभाग हैं उसी आरटीआई से मुझे पता चला जी। और उनमें भी कहीं भी उन नौकरियों का जिक्र नहीं है। ठीक है, तो आधे से ज्यादा झूठ परोस रहे हैं जी। और ये केवल हेडलाइन बनाने का खेल है। सवाल 50,00,000 एक एक सवाल लेते हैं। केसी जैन साहब कह रहे हैं कि केसी जैन साहब सुन लीजिए, वो कह रहे 3,50,000 भर्ती का आपने ऐलान किया है राजकीय पदों पर, लेकिन उसका कोई सही डाटा नहीं है जी। चलिए हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। सर रुकिए, शशांक जी आप आपको क्या आवाज मिल रही है? अगर आवाज मिल रही हो, आपको लगता है कि जो 10,000 पद ये खाली पड़े हैं बच रहे हैं उनको इसी भर्ती में भरा जाना चाहिए? क्योंकि जैसे राधिका जी के चेहरे पर मुस्कान है, ऐसे 10,000 और शिक्षकों बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। सरकार देने की है और विज्ञापन छापने की नहीं है, तो इन 10,000 पदों को भरने की वो पूरी प्रक्रिया और कोशिश करेगी, वरना इसको की विशेषज्ञों की राय पर और टेक्निकल मैटर्स पे डाल देगी। सरकार अगर चाहेगी तो रास्ता निकाल लेगी, और सरकार नहीं चाहेगी कि रोजगार देना है तो नहीं निकालेगी। ठीक है केसी जैन साहब, आपको आवाज मिल ठीक है केसी जैन साहब, आपको आवाज मिल रही हो? जी जी राधिका जी, रोजगार के अवसर देने हैं, लेकिन हम लोगों में से ही कुछ अभ्यर्थी ऐसे जो बार बार उस प्रक्रिया को रोक रहे हैं, और सरकार यदि चाहेगी तो वो 10,000 पदों को जोड़ के लोगों को नौकरी देगी। नहीं राधिका जी, सवाल नहीं राधिका जी, सवाल दो हैं। एक, इसी भर्ती में मिलना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी 60,000 लोग क्वालिफाई कर चुके हैं जो 0.03% से बाहर हो गए, 0.01% से बाहर हो गए, या इनको छोड़ के अब आगे बढ़ना चाहिए और आगे जो वैकेंसी निकले उसमें इसको मर्ज करना चाहिए, फेवर में लाना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने 69,000 की सूची दी थी उसमें उन्होंने 69,000 कैंडिडेट्स को ही लिया है, 67,867 जो अभ्यर्थी उसमें आ रहे हैं उन्हीं को लिया है,
वो बात अलग है कि जो अभ्यर्थी कहीं और स्थान पा चुके हैं। डेढ़ लाख लोगों ने अप्लाई किया था ना क्वालिफाई। अरे डेढ़ लाख लोगों ने अप्लाई किया था ना क्वालिफाई, तो करीब डेढ़ लाख लोगों ने किया राधिका जी। आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उन्होंने 67,867 की सूची को जारी किया है। ठीक है, कैसे जैन साहब? ठीक है, कैसे जैन साहब, सवाल आपसे भी वही है कि थर्ड काउंसलिंग तो करवा रहे हैं संशोधन के लिए, चौथी काउंसलिंग भी होनी चाहिए। जो 10,000 खाली पद बच रहे हैं उनको भी इसी में भर्ती करेंगे, करना चाहिए, या जैसे शशांक यादव जी आरोप लगा रहे हैं कि अगली भर्ती में आप विज्ञापन निकालेंगे? और समाजवादी पार्टी है, इन्होंने अपनी सरकारों के रहते हुए तो जनता की भलाई के लिए, युवाओं के लिए कुछ किया नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, अगर रोजगार को ध्यान में रखते हुए, रोजगार को देते हुए नौकरियां निकाल रही है, काम कर रही है, तो उससे भी तमाम सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे सवाल आप सब खड़े कर दिए जब आपने कुछ किया हो, आपने तो कुछ किया नहीं, और सिर्फ सवाल खड़े कर रहे हैं। रही बात यह कि इन जो 10,000 भर्तियां जो बसती है, इनको अगली काउंसलिंग के लिए या फिर उसके अगली जो भर्तियां निकलेंगी उसमें ऐड करने के लिए, तो बिल्कुल हमने आपसे पहले ही कहा कि काउंसलिंग का मतलब प्रदीप जी यही होता है कि जो लोग चयनित हैं और अगर वो नहीं ले रहे हैं तो उसके बाद वाले लोगों को अवसर मिलना चाहिए। वो तो नहीं ले रहे हैं, होता है नहीं, वो तो नहीं ले रहे, वो बात अलग है। लेकिन जो लोग क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई करके रखा है, 0.03% से बाहर है, उनको तो मौका दिया जाना चाहिए ना काउंसलिंग का। आप देखिए आईएससीएस के एग्जाम जो होते हैं उसमें जितने लोगों को चयनित किया जाता है, तो प्री बेस होता है, लेकिन अगर वो इंटरव्यू भी नहीं निकल पाए तो ऐसा नहीं कि उनको इंटरव्यू बुला लिया जाए, उनको प्री फिर से दोबारा प्री और बेस देना पड़ेगा, प्री बेस दे करके आना पड़ेगा, फिर उनको इंटरव्यू में जाना है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाए तो इंटरव्यू उनके लिए दोबारा करा दिया जाए। तो ये देखिए, आपने भी तमाम एग्जाम दिए होंगे, मैंने भी तमाम एग्जाम दिए हैं, वेटिंग लिस्ट भी बनती है ना, कि अगर ये लोग जो लोग नौकरी पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो उनके बाद वालों को नौकरी मिल जाएगी। काउंसलिंग का मतलब यही है, लेकिन बात जो कैटेगराइजेशन की है, बात जो रैंकिंग की है, तो ऐसा नहीं है कि जो 1.5 लाख लोगों को उसमें से क्वालिफाइड बाल लिया गया तो उनको उस तरीके से बाल लिया जाए। अगर बेस्ट लोग नहीं मिल रहे हैं तो अगर इसमें आगे ऐड करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अवसर मिलना चाहिए उन लोगों को जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं। राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी, आपका फाइनल कमेंट छोटे में, संक्षिप्त में, आपके पास भी आऊंगा। सुधांशु जी, महोदय जी, बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई बहुत उम्मीदें थी, जैसा कि सबको पता है कि इनका स्लोगन सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस भर्ती में हम थे इसलिए हमको ये दिख गया कि सबका साथ लेकिन सबका विकास नहीं होने वाला। इसमें केवल सबका साथ और 7,149 लोगों को निकालकर किसी और का विकास। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा केसी जैन जी, 7,149 सीटों पर घपला हुआ, आप इसको पूरी तरीके से पड़ताल कर लीजिएगा और फिर आप बोलिएगा कि हम गलत है कि सही है। ठीक है, ठीक है, सच्चाई यही है, आज नहीं तो कल पिटारा जरूर खुलेगा और आप जरूर सबके सामने आएंगे और ये बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर का मिस्टेक था, लेकिन नहीं, ये आपका मिस्टेक है, आप बाद में चाहे जो रोइएगा कहिएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं, आपने जानबूझकर गलती की। ठीक है, ठीक है राधिका जी, ठीक है, ठीक आएंगे सबके बता रहे फाइनल कमेंट। राधिका जी, आपका फाइनल कमेंट, कम से कम 69,000 लोगों को नौकरी मिल रही है, ये एक बड़ा कदम है सरकार का। बड़ा सपोर्ट तो ये रहा कि उन्होंने इस कोरोना के टाइम में जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्होंने सब लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, इतने परिवारों के चेहरे पे हंसी मुस्कान लेके आए। शायद ही आज कोई ऐसा घर होगा, कोई ऐसे रिश्तेदार होंगे जिनके जानकारी में कोई भी ऐसा अभ्यर्थी ना हो, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है 36,590, और इसके कारण हम अपने जितने भी प्रेरणा स्रोत रहे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, सरकार का धन्यवाद कहना चाहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है राधिका जी, समय कम है। शशांक जी, आपका फाइनल कमेंट। शशांक जी, शशांक जी,
शशांक जी तक आवाज नहीं पहुंच। शशांक जी आपका फाइनल कमेंट। आवाज डिस्टर्ब कर रही है मैं। मेरा फाइनल कमेंट ये है कि कट ऑफ अगर विज्ञापन में छपने के बाद बदल सकती है सरकार, तो इन लोगों को 10,000। ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, आपकी बात आ गई कि 10,000 लोगों को भी नौकरी। सुधांशु जी क्या कहेंगे आप? भाजपा सरकार अपने मूल चरित्र में दलित पिछड़ा विरोधी है और हम उसे फिर भी अपेक्षा करते हैं कि अगली काउंसलिंग करवाकर वह छात्रों के साथ न्याय करे, एक तिकड़म लगाकर आरक्षण नियमों के साथ खिलवाड़ बंद करे। केसी जैन साहब आपका फाइनल कमेंट। लोगों को इसमें नौकरियां नहीं मिली जो ये नौकरियां निकाली गई और जिसमें नियुक्ति पत्र मिले हैं, तो इस तरीके के आरोप लगा करके जो लोग अभी तक नौकरियों को लटकाते रहे हैं और सरकार पे ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो नौकरियां निकलती हैं वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में टहला करती हैं, तो इस तरीके के अनर्गल आरोप जो लोग लगा रहे हैं वही लोग फिर चाहते हैं कि किसी तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया लटके और हमें आरोप लगाने का अवसर मिले। लेकिन जिन लोगों को अवसर नहीं मिला है वो लोग दोबारा प्रयास करें और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है कि उन लोगों को भी सरकार में आने का और सेवा करने का अवसर मिले। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर सरकार बधाई की पात्र है कि कम से कम उसने 69,000 जैसी बड़ी भर्तियां निकाल करके सहायक अध्यापकों को एक नया जीवन जीने का मौका दिया और एक बड़ा काम किया, क्योंकि अक्सर जो भर्तियां हैं वो अटकती रहती हैं, लटकी रहती हैं, भटकती रहती हैं, लेकिन नौकरियां नहीं मिलती हैं। लेकिन पहली बार सरकार ने अपना दृढ़ संकल्प दिखाया और लोगों को नियुक्ति पत्र तक बांट दिया, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन इस बीच अगर आरक्षण का सही से पालन किया जाता और एसटी की जो 1,133 सीटें हैं उसको भी भरा जाता, 10,000 की जो सीटें खाली पड़ रही हैं काउंसलिंग की बात की जा रही उसको भी अगर कर दिया जाता तो ये सोने पे सुहागा होता, एक बहुत बड़ा लैंडमार्क, एक ऐतिहासिक काम हो जाता। लेकिन इन सबके बावजूद हम कह सकते हैं सरकार का एक बड़ा कदम है इतने सारे लोगों को एक साथ नौकरी देने का। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।